Hey guys, welcome back to my channel. अभी अक्षय का फोन आया है, वो कह रहा था कि संडे कहीं चलते हैं घूमने के लिए. तो वैसे भी मैं घर पे बोर ही हो रहा था, सोचा चलते हैं कहीं पे देखते हैं. तो वो भी अभी आ रहा है. अभी हम लोग को कुछ तैयारी नहीं कि कहाँ जाएंगे, बस ऐसे ही कहीं भी निकल लेंगे. चल रहे हो हैं? आगे दिखाना चल रहा है. अभी तक की हमें पता नहीं कहाँ जाना है. ये देखो भैया सेटअप वेटअप लेके आए. हमको नहीं पता कहाँ जाना है. तुमको भी नहीं पता? अभी तक ये डार्क वाला लगा रखे हो. अरे कौन चेंज करता है 1 घंटा? हम तो ये लिए बोला हेलमेट ही नहीं लाए, हम ये वाला लिए. 1 घंटा चेंज कर दो तो मतलब नहीं था. चलो चलते हैं, देखते कहाँ पहुँचे. सीधे ही चलते हैं, सीधे. लॉगिंग विद डिफरेंट एंगल. हाँ वो देखो बैठा है, क्लियर. ब्रेक ब्रेक भी लिया है उसने शायद. तो बहुत जल्दी जल्दी हो गया, हम लोग टाइम पे पहुंच जाते हैं. ये सत्रिक चौराहे से हम लोगों को राइट मुड़ना है, अक्षय ने बताया है. अब इसके आगे कहाँ जा रहे हैं अभी भी रास्ता मुझे तो क्लियर नहीं हो रहा है. पर ऑफ रोडिंग आ गए हम लोग. ऑन रोड पे ऑफ रोडिंग चल रही है. बस हम ये सोच रहे हैं कि भूल न जाए वो रास्ता है कहाँ, बीच में कभी डर न पड़े. ज्ञान की बातें अक्षय के साथ. यही है भाई, यही है. कोई खड़ा भी है इधर ही. बस बहुत अंदर जाना है कि भाई ये इधर मंदिर पड़ता है ना अंदर. कौन सा? माता जी का मंदिर है भैया. इधर नहीं है और आगे वो जो इधर सीधे जाके इधर उतरेंगे. कौन है मंदिर जाना? एक इधर शंकर जी का है. शिवाला शिवाला नहीं है, किधर कहीं है. हाँ तो आगे आगे से. हाँ पुलिया पुल लगे ना. पुलिया वाला नहीं. बताया तो था और आगे जाके, लेकिन अक्षय ने फोड़ दिया है इधर ही. कॉन्फिडेंस होना चाहिए. जा रहे हैं लोग देखो इधर से. यही है पहुंच गए. यही है. तुम आ चुके हो, तुमको पता होगा. है तो मंदिर तो हम लोग आ गए. जगह यही है कि नहीं है ये क्लियर नहीं है अभी. छत नहीं पड़ती वहाँ पे. किधर है मंदिर? अभी खुला होगा मंदिर? आगे से जाओ, गेट बहुत बड़ा गेट बना है. गेट मतलब बाहर का नहीं है. नहीं यही बाराबंकी के. हाँ तो भैया वही चले, दो एक जने भी बैठे. मंदिर बंद नहीं हो? बंद नहीं होता. हाँ तो थोड़ा सा भ्रम हो गया. हाँ तो हम लोग थोड़ा गलत आ गए. बाहर रोड पर चले जाओ, बहुत बड़ा गेट बना. तो भाई साहब हम लोगों को देखो कहीं अलग ही लेके आ गए बताते बताते.
लेकिन यहाँ पे पूछा हम लोगों ने तो वो मंदिर थोड़ा आगे है, लेकिन यहाँ तक कि आ गए हैं तो फिर दिखा देते हैं क्या कैसा मंदिर है। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छी जगह है, मंदिर सब अच्छे हो। अब वहाँ पे देखना है, वहाँ छत पड़ी अभी कि नहीं पड़ी, वो तो देखते जाते जाते पता चले। अब हम लोग सही जा रहे हैं, तो अब हम लोग बेसिकली ये है कि रास्ते पे जा रहे हैं, गेट दिख रहा है, हाँ आराम जा रहा है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, देवधरा माता मंदिर। अब इतने टाइम से संतरे खाते गए हैं लेकिन कभी भी नहीं आए यहाँ पे। भाई कितना सही लग रहा है इधर यार, लाइट बढ़ रही है, बढ़िया लग रही है। बहुत अच्छा व्यू, ऐसे आँख से देखने में तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है लेकिन कैमरे में भी काफी बढ़िया आ रहा है। ये है सही जगह। अब हम लोग कुछ मंदिर पे हैं जहाँ पे सप्त ऋषि प्राचीन देवघर माता मंदिर। अब हम लोग आ गए हैं सही जगह पे। दिन में आएंगे तो प्रॉपर दिखाएंगे। ये है मंदिर। एक काम करते हैं दादा से ही पूरी कहानी। दादा इस मंदिर पे छत नहीं पड़ती है ना? अरे अभी तक नहीं पड़ी तो कहाँ, हम 8 साल पहले आए थे यहाँ पे, तब से अभी तक की हम मतलब पहले तो उधर घूम गए थे दूसरे वाले पे, फिर इधर आए तो हमको लगा कि चलते देखते 8 साल बाद छत पड़ी कि नहीं, तो आज भी छत नहीं पड़ी है। तो है कुछ महिमा है फिलहाल, नवरात्रि में भीड़ रहती है, अभी नवरात्रि नहीं तो एक इंसान नहीं दिख रहा। हमको ऐसे ही टाइम पे आना पसंद है कि शांति से आएँ, भगवान के साथ थोड़ी देर बैठें, जो भी कहना है मन की बात कहें और आगे का कार्यक्रम करें। अभी हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने, थोड़ी देर कैमरा करते हैं बंद। ये मंदिर देखिए, यहाँ पे कोई छत वगैरह कुछ भी नहीं पड़ी है। हम लोग यहाँ से कई बार छत डालने की कोशिश की गई कभी यहाँ पे? नहीं की गई। फिर पहले कभी ट्राई किया वो नहीं पड़ी होगी? हाँ नहीं, ये बताते हैं कि मतलब छत डालने का ट्राई किया गया, मतलब छत पड़ी ही नहीं, छत पड़ी ही नहीं कभी। अभी जो दादा हमारे साथ में है इनकी उम्र जो है लगभग 70 साल है, तो जैसा हमको 8 साल पहले बताया गया था कि इस पे छत डाली गई थी और छत नहीं पड़ी, छत गिर गई, तो दादा ने बताया कि इस पे कभी छत नहीं डाली गई, मंदिर हमेशा से ही ऐसा था। तो अब इससे पहले क्या था वो हमें जानते, मंदिर कब से है ये नहीं जाता है। हाँ तो मंदिर कब से है ये नहीं पता है दादा को भी, दादा की उम्र 70 साल है और उसके पहले क्या सीन था ये नहीं पता, लेकिन अभी जो है जब से दादा जानने वाले हुए हैं तब से बता रहे कि इस पे छत किसी ने डाली नहीं, और उसके बाद से मतलब अब पहले से कभी चलता आ रहा होगा तो छत किसी ने डाली, तब से मंदिर ऐसा ही है। तो ये एक मिनट दूर हुआ कि इस पे किसी ने छत डाली हो सकता है, कभी किसी ने डाली होगी नहीं, वो कहानी चलती आ रही, लेकिन फिलहाल ट्राई भी नहीं की गई, किसी ने ट्राई नहीं किया, ये जो भी है ये तो एक रहस्य ही है। पूरा है कि ये किनारे खाली रुद्राक्ष है, पूरा ये रुद्राक्ष शिवलिंग जो यहाँ पे एक स्थापित है, इस शिवलिंग की जो खासियत है ना, ये शिवलिंग लकड़ी का है पूरा, रुद्राक्ष नहीं, पूरा शिवलिंग ऐसे ही ऐसे ही कोई बनाया नहीं गया है। अच्छा कुदरती ऐसे ही है ही, तो ऐसा रुद्राक्ष पे ऐसे पूरा बना हुआ है शिवलिंग, जैसे रुद्राक्ष की गोली गिरिया होती है ना, वो उसी तरीके से बनी हुई है। तो ये चीज भी यहाँ पे थोड़ा सा है जो यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं और कहीं नहीं मिलेगी।
तो अभी हम लोगों ने दर्शन तो कर लिए मंदिर के, बहुत अच्छे थे दर्शन करने में, मजा आ गई। लेकिन हाँ, काफी अंधेरा हो गया था तो कुछ खास आया भी नहीं, ऐसे न खुद देखने में मिला ना ही कैमरे पे। किसी दिन फिर से आएंगे यहाँ पे दिन में, तब देखते हैं कैसा लगता है मंदिर। वैसे अभी भी काफी अच्छा लग रहा था मंदिर, बहुत शांति, बहुत बढ़िया है। तो जहाँ से शुरू किया था वापस वहीं आ गए अपने घर पे। वैसे काफी अंधेरा हो गया था तो रास्ते में कुछ शूट करने को था भी नहीं, लेकिन एकदम अनएक्सपेक्टेड प्लान बन गया था हम लोगों का जाते टाइम। रास्ते में भी कुछ डिसाइड नहीं था कि कहाँ जाएंगे, लेकिन बहुत सही जगह पे अक्षय लेके गया हम लोगों को। आई होप आप लोगों ने पूरा ब्लॉग देखा होगा और काफी मजा आई होगी। अगर मजा आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी जाते जाते कर देना। बाय बाय।